सादा विरमनि सिखा पदं स्मादियामि तेरह फरवरी 2022 दिन रविवार, आपको आना है अपने परिवार के साथ, अपना खाना लेकर पिकनिक पर बुद्धा जयंती पार्क पर, जो धौलाकुआ और करोलबाग के बीच में जो रोड है जिसको रिज रोड बोलते हैं, वहाँ पड़ता है बुद्धा जयंती पार्क में। हर साल मनता है सेकंड रविवार यानी कि फरवरी का जो दूसरा रविवार है उस पर। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, आप अपना खाना लेके आइए, अपना दरी, अपना पानी लेके आइए, अपना खेलने का सामान लेके आइए और परिवार के साथ आइए। बहुत सारे परिवार लगभग 20-25 साल से उसमें आते हैं। ये कार्यक्रम जो स्थापित किया, ये जो बाबा साहब की संस्था है भारतीय बौद्ध महासभा, उसने स्थापित किया था। फिर भारतीय बौद्ध महासभा के दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जो करता है उसने लगाना शुरू किया शांति स्तूप पर, और जो दूसरा टुकड़ा है वो यहीं पर लगाने लगा। फिर वो टुकड़ा भी लगभग ख़त्म हो गया। फिर वहाँ एक नई संस्था के कुछ लोग आए, उन्होंने वहाँ शुरू किया, लोग आते हैं। तो इस तरह से वहाँ जो टूट फूट हुई है उसको ख़त्म करने की पहल की गई, और इस बार वो पहल कामयाब है। इस बार वो जो उत्सव लगेगा वो समण महाउत्सव लगेगा, यानी कि समण परिवार मिलन। समण में सभी आ जाते हैं, क्योंकि समण सारे लोग हैं, SC ST OBC के जितने लोग हैं वो समण हैं, क्योंकि बुद्ध भी समण थे। इसलिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अभी बुद्धिस्ट ना हुए हों, मगर समण सभी हैं। SC ST OBC के जो लोग हैं, हो सकता है कि उन्होंने अभी धम्म ना लिया हो, पर उनको मेले में आना चाहिए, वो मेले में आते भी हैं, क्योंकि वो सारे समण हैं। इसलिए समण महोत्सव लगेगा। इसमें जितने भी लोग हैं उन सब से ये कहा जाता है कि आप सब अपने संगठन और से अपना जो संस्था है इनसे ऊपर उठिए और एक साथ आइए, क्योंकि आप सब समण हैं। समण के अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं है जो आपके लिए पुराने समय से आता है, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उन्होंने सभी जातियों को ख़त्म कर कर हमको SC ST OBC शब्द दिया, और SC ST OBC के बाद में हम सारे के सारे जो हैं वो सारे समण हैं पुराने समय के, जैसा कि बुद्ध से पहले बताया जाता है। तो ये समण महोत्सव रहेगा, समता का महोत्सव रहेगा, ये ना बौद्ध महोत्सव रहेगा, ना ये डॉक्टर अम्बेडकर महोत्सव रहेगा, ना ये कबीर महोत्सव रहेगा, ये सभी महापुरुषों का महोत्सव रहेगा, क्योंकि सभी समण हैं। जितने भी संत अब तक हुए हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर हैं, या ज्योतिबा फूले हैं, या पेरियार साहब हैं, या गाडगे साहब हैं, या सतनामी साहब हैं, या संत कबीर हैं, या रविदास हैं, या गुरु नानक हैं, ये सारे लोग समण रहे हैं। इसलिए समण महोत्सव में सब आ जाते हैं। आप इस समण महोत्सव की तैयारी अभी से कीजिए। 13 फरवरी या हर साल का दूसरा रविवार, यानी कि फरवरी का दूसरा रविवार, फरवरी का सेकंड संडे, वो फ्री की जगह होती है, पार्क होता है, पार्क में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इसलिए आप उसमें पार्क में अपनी चादर, अपनी दरी लेके आएँ, पूरा परिवार के साथ वहाँ रहें, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, उनसे मिलें, जुलें, बातचीत करें और समण महोत्सव का पूरा फ़ायदा उठाएँ। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या
इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.